हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस नए वीडियो में आपको बताऊंगा जो ड्राइवर साइड के कंट्रोल्स होते हैं गेट के ऊपर वो क्या क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑटो लिखा हुआ है ये ड्राइवर साइड की विंडो को डाउन करने के लिए होता है। आप देख सकते हैं अप एंड डाउन का फंक्शन होता है इससे। सिमिलरली साइड में आप देख सकते हैं ये जो को पैसेंजर होता है आपका आगे की तरफ वाला, उसका मिरर अप या डाउन हो सकता है। ये देखिए, सिमिलरली इसमें दो बटन और हैं। इन दोनों बटन से विंडो अप और डाउन होती है पीछे के पैसेंजर, यानी चारों विंडोज का कंट्रोल आगे होता है इन बटन से। अब ये बटन बता देता हूँ, उससे क्या होता है आपके ग्लासेस लॉक हो जाते हैं, मतलब कोई भी विंडो नहीं खुलेगी, यहाँ से भी नहीं ना पीछे वाले पैसेंजर खोल पाएंगे। सिर्फ इससे जो ड्राइवर साइड की विंडो है वही खुलती है। इसको करने के बाद मेरे को पैसेंजर की विंडो काम ही नहीं कर रहे बटन। जैसे मैं इसको फिर से प्रेस करूँगा तो बटन काम करने शुरू कर देंगे। और ये जो छोटा सा एक बटन दिया गया है ये मिरर्स को सेट करने के लिए। आइए मैं बताता हूँ, अब मैं अपनी साइड के इससे मिरर सेट करके बताता हूँ। ये वैगन आर का VXI मॉडल है तो इसमें मिरर अपने आप फोल्ड नहीं होते, ये हाफ ऑटोमेटिक बोल सकते हैं। मिरर से उनको आप सेट कर सकते हैं अंदर से बैठे बैठे। देखते हैं कैसे। इसको आपको आगे ले जाना है और लेफ्ट का मिरर करना है या अपनी तरफ का। अगर आपको अपनी तरफ का करना है तो मैं अपनी तरफ का करके दिखाता हूँ। आपको ऐसे करना है और आगे ले जाके राइट में करना है रोटेट। देखिए मिरर सेट होता रहेगा। ये आप देख रहे होंगे थोड़ा सा मुझे टफ काम लगता है क्योंकि यूज टू होना पड़ता है इसके लिए, पर एक बार आप यूज टू हो गए तब आप देख सकते हैं कि मैं मिरर अपने अकॉर्डिंग सेट कर पा रहा हूँ। मुझे किस तरह से सेट करना है, मुझे रोड का कितना व्यू चाहिए, ब्लाइंड स्पॉट्स वगैरह सभी मैं उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लूँगा। और ये देखिए मैक्सिमम इसकी रीच कहाँ तक है, वो बाइक दिख रही है मुझे, वो घर दिख रहा है और मैं कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कितना फोल्ड हो गया है, हमारा कैमरा दिखना शुरू हो गया इसके अंदर। देखिए तो मैं इसको फिर से वही कर दे रहा हूँ। ऊपर का देखना है आपको, नीचे का देखना है आपके, टाइट पार्किंग जहाँ आपको करनी हो, पीछे का देखना हो, स्पॉट कम हो वहाँ पर काफ़ी काम आता है। आपको बार बार गाड़ी से हाथ से सेट नहीं करना, बैठे बैठे आप कर सकते हैं एक सिंपल से बटन के थ्रू। मैं इसको ठीक से सेट कर देता हूँ जिससे मुझे आगे ड्राइविंग में भी फिर सेट ना करना पड़े। सेट करने के बाद इसको फिर से सीधी पोजीशन में कर दी, मतलब आपके मिरर सब लॉक हो गए। राइट करेंगे तो राइट में हो जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा। उसके बाद आपको जॉयस्टिक की तरह आगे पीछे करना काफ़ी सिंपल है। और एक लास्ट बटन है जो मैं बता देता हूँ, ये बटन है, इससे ये सभी गाड़ियों में होता है जनरली। इससे क्या होता है, आप देखिए सारे गेट्स यहाँ से लॉक हो गए, अब कोई भी गेट नहीं खुलेगा अगर मैं यहाँ से अब तक करूँगा नहीं। ये देखिए बाहर से कोई गेट नहीं खुलेगा, अंदर वाले चाहें तो अंदर अपने इस बटन को पीछे करके गेट खोल सकते हैं। तो मारुति सुजुकी वैगन आर VXI में यही मॉडल्स आते हैं गेट पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर ज़रूर आप प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।